प्रणाम। देखिए, डायबिटीज होने पर बहुत सारे लोगों के एक ही क्वेश्चन आता है कि डायबिटीज में क्या ना खाएं। तो आज इसी टॉपिक पर मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज होने पर सबसे पहले आपको मैदा छोड़ना है। मैदा आपके लीवर को नुकसान पहुंचाता है। जिस भी भोजन का पाचन देर से होता है वो आपके शरीर में सड़ता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उत्पन्न करता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम उत्पन्न करता है, और पित्त का इनबैलेंस होने पर आपको कई तरह के प्रमेह रोग हो जाते हैं। तो मैदा आपको छोड़ना है। तली हुई चीज़ें, जो बाहर आप तली हुई चीज़ें खाते हैं मार्केट में, उनको अवॉइड करें। तीसरा, चाय को भी आप छोड़ें जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। जो रात का भोजन है वो आधा कर दो। रात का भोजन जब आप अधिक मात्रा में खाते हैं, पेट भर कर खाते हैं, तो वो उसका पाचन ठीक से नहीं हो पाता। अगले दिन आपका पूरा जो शुगर चेक करते हैं वो आपकी बढ़ी हुई आती है, शुगर लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाता है। खाने का ठीक से डाइजेशन हो गया तो समझ लीजिए आप निरोग हो जाते हैं। खाना यदि आपके शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, आपके शरीर में खाना सड़ रहा है, तो आप बीमार होने लगते हैं। डायबिटीज़ मुक्त भारत अभियान के तहत जो हम 100 रुपये की केवल मेडिसिन दे रहे हैं, आप उस मेडिसिन का एक एक चम्मच सुबह शाम प्रयोग करें, अपने खान पान का ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। मेरी आप सभी के लिए बहुत शुभकामनाएँ।